दोस्तों, छोटे पर्दे पर सीरियल दिया और बातें हम में सूरज राठी के सादगी भरे किरदार को निभाकर मशहूर हुए अभिनेता अनस रशीद टीवी इंडस्ट्री के उन सितारों में से एक रहे हैं जिन्होंने अपने किरदार के लिए ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी दर्शकों से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है, जहां इनका नाम टीवी इंडस्ट्री की कई खूबसूरत अदाकाराओं के साथ जोड़ा गया था और उन्हीं में से इन्हें एक अभिनेत्री इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि ये उनसे शिद्दत वाला प्यार कर बैठे थे। पर जब बात आई शादी की तो इन्होंने उस अभिनेत्री का हाथ ना थामते हुए अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से शादी की। जी हाँ, सूरज का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता अनस रशीद ने असल लाइफ में अपने प्यार को नहीं बल्कि अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की को अपना हमसफर चुना। तो आखिरकार क्यों इन्होंने अपनी पसंद को छोड़ते हुए अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से शादी की? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही अभिनेता अनस रशीद के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल दिया और बाती हम में सूरज राठी का किरदार निभाकर आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले अभिनेता अनस रशीद यूं तो कई लड़कियों की दिलों की धड़कन बने, लेकिन अगर अभिनेता अनस रशीद का दिल किसी लड़की के लिए धड़का था तो वो कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की गॉर्जियस एक्ट्रेस रति पांडे थी। बता दें कि अभिनेत्री रति पांडे और अनस रशीद ने अपने एक्टिंग करियर में कभी भी साथ काम नहीं किया है, लेकिन मुंबई के एक अपार्टमेंट में साथ रहने की वजह से दोनों के रिश्ते काफी अटूट हो गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए थे कि इनकी इस दोस्ती को प्यार में तब्दील होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा था। यही नहीं बल्कि जल्दी दोनों एक दूसरे का हाथ भी थामने वाले थे, पर अनस रशीद के मम्मी पापा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहू एक्टिंग की दुनिया में किसी भी तरह से ताल्लुक रखे, और इसलिए अनस रशीद के माता पिता ने अनस रशीद के लिए हिना इकबाल को चुना था जो कि एक बैंकर के तौर पर काम करती हैं। और वैसे भी अनस रशीद ठहरे अपने माता पिता की हर एक बात मानने वाले, और एक यही वजह रही कि अभिनेता अनस रशीद रति पांडे से अपने सभी रिश्ते तोड़ हमेशा के लिए साल 2017 में मलेरकोटला की रहने वाली हिना इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंध गए। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हिना इकबाल अनस रशीद से तकरीबन 14 साल छोटी है। हालांकि ये एक लव मैरिज नहीं है, पर अनस ने अपने पेरेंट्स की मंजूरी को देखते हुए रति पांडे से तुरंत ही अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और हिना इकबाल को अपनी जीवन संगनी के तौर पर स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनस रशीद ने रति पांडे को ठुकराकर अपने माता पिता की पसंद की गई लड़की से शादी रचाकर सही किया या गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।